प्रतिदिन की तरह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप सबों का स्वागत है। यहाँ आज जो हम बनाकर आपके लिए सेट लाए हैं उसका पहला प्रश्न ये है, आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। एस्लाइक नाम किसे दिया जाता है? उत्तर है गलित कैल्शियम सिलिकेट कण या एस्लाइक नाम दिया जाता है। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रण किससे होता है? तो सही उत्तर है क्रोमियम और निकेल का होता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो सही उत्तर है संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? सही उत्तर है भारत के लोगों से प्राप्त करता है। संयुक्त राष्ट्र में पांच महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? उत्तर है सुरक्षा परिषद में करती हैं। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय के। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? वह है लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मद एग्नो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? वह भाषा है मगधी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया गया था? वह द्रव है टेराकोटा। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? उत्तर है बेगम हजरत महल ने किया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1843 में। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोप प्रदान किया? वह है अंग्रेजों ने। भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था? शेख मईनुद्दीन चिश्ती ने। बाबर नामा किसने लिखा? बाबर ने। माओ जिडांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? चीन का। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? रामाजी ने किया था। आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नाम बनाया था? फिर से सुनते हैं, आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नाम बनाया था? वह दांडी क्षेत्र था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा? मदनलाल भिंगारा ने कहा। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी के प्रवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे धवलता कहते हैं। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उत्तर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? उसका नाम है कोटोपैक्सी पर्वत। सेल्टोरा कटक कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद में स्थित है। भारत के सुदूर पूर्व और उत्तर पश्चिम छोरों के समय का अंतराल कितना होता है? वह उत्तर है 2 घंटा। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व का नाम क्या होता है? वो है कैल्शियम।